वेरी वेरी नाइस बच्चे, यू ऑल नो माई मेथड. इफ यू अंडरस्टूड द थिंग, अंडरस्टैंड द थिंग, यू हैव टू रेज द राइट हैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट शाइंग, यू हैव टू रेज द लेफ्ट हैंड. समझ आए तो आप बायां हाथ खड़ा करोगे, नहीं समझ आया तो दायां आप अपना बायां करोगे. लिखने वाले समझ आ गया तो दायां, नहीं समझ आया तो बायां हाथ खड़ा करोगे. करेक्ट बेटे, ताकि टीचर को क्लियर मैसेज जाए कि कोई चीज उसने दोबारा बतानी है या नहीं बतानी. ओके, और अगर टीचर से कोई चीज दोबारा पूछनी होती है, व्हाट इज द मेथड, पार्डन सर, पॉइंट नंबर 3 इज नॉट क्लियर टू मी, सो आई विल टीच यू पॉइंट वाइज. वेन आई विल यू टीच यू पॉइंट वाइज, इट विल बी ऑलवेज इजियर फॉर यू टू आस्क द थिंग अगेन. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. राइट डाउन द हेडिंग एवरीबॉडी, राइट डाउन द हेडिंग, स्पीड एंड वेलोसिटी. शाबाश, स्पीड एंड वेलोसिटी. योर अटेंशन, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग वन थिंग दैट आई विल आस्क यू. व्हाट आई विल आस्क यू, आई विल ड्रॉ ए फिगर इन टू कलर्स एंड यू विल टेल मी आउट ऑफ द टू कलर्स विच इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट. ओके, सपोज सपोज दिस इज योर बलाचोर, बलाचोर. ओके, एंड दिस इज योर नवाशहर. नवाशहर, ओके, नवाशहर. एंड यू गो फ्रॉम बलाचोर टू नवाशहर थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस पाथ, ग्रीन कलर. बट ऑल ऑफ ए सडन यू सी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए न्यू स्ट्रेट लाइन पाथ गिवन इन द रेड कलर. आउट ऑफ द ग्रीन एंड रेड विच विल बी डिस्प्लेसमेंट, रेड कलर. शाबाश, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन गैप फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट इज इन रेड कलर एंड वट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इन द ग्रीन कलर. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड, राइट, एंड बोथ ऑफ दीज हैव यूनिट मीटर. बेटे, दिस वी हैव डन लास्ट टाइम. डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर. दिस वी हैव डन सो फार लास्ट टाइम. Now we are proceeding further. Is the point number 1 clear to you? Yes or no? Better, please raise the right hand. Is the first point clear? Okay. Now let's proceed to understand further. Now I am telling my student what is meant by velocity. Remember, bache, how much this displacement is covered? Red line divided by time taken. So that is your velocity. Velocity is equal to displacement covered. Write down, everybody. Velocity is equal to displacement covered upon time taken. Time taken. You can also call what? Velocity is equal to, everybody, velocity is equal to rate of change of position. Another definition, velocity is equal to rate of change of position of the body.
इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके बेटे, सपोज करो, सपोज व्हेन द चाइल्ड गोज फ्रॉम बलाचोर टू नवा शहर द टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। सपोज 10 सेकेंड SI यूनिट आई एम टेकिंग एंड लेंथ ऑफ दिस रेड लाइन इज 100 मीटर। सो 100 मीटर इज रिटन हेयर। सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड रिमेंबर वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वट एवर द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन। सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी? वेलोसिटी डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम बलाचोर टू नवा शहर। व्हाई? बिकॉज लुक एट द एरो डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। सो वेलोसिटी इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टार्टिंग पोजिशन। ओके, इज द सेकेंड पॉइंट क्लियर टू माई स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। शाबाश, राइट हैंड क्लियर 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 कर, वेरी गुड। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्पीड, थर्ड लर्निंग पॉइंट, स्पीड। व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट स्पीड, देन आई हैव टू टेक द लेंथ ऑफ द ग्रीन पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड। एंड व्हाट इज दिस ग्रीन? दैट इज डिस्टेंस। सो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड? दैट इज टेकन एज हेयर, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, नाउ टाइम इज 10 सेकेंड इज ऑलरेडी टेकन। सपोज वन स्टूडेंट सेज, सर लेंथ ऑफ दिस ग्रीन ट्रैक इज 450 मीटर, 450 मीटर। वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। सभी बच्चे एक फॉर्मूला लिखें, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डेफिनेशन, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 10 cuts 10, 45 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड हैज एनी डायरेक्शन? नो, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। एनीथिंग विच हैज नो डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। बेटे पूरा बोलना है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल वर्ड यू हैव टू टेल ऑल्सो। एंड हैव यू नोटिस्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग ऑन बोथ साइड्स? व्हाट इज दैट बच्चे? ऑन बोथ ऑफ द साइड्स टीचर हैज यूज्ड अ पर्टिकुलर यूनिट। व्हाट इज दैट? मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। बट आई वुड लाइक, मीटर पर सेकेंड इज आइदर रिटन दिस वे और इट इज रिटन दिस वे। बोथ मेथड आर करेक्ट। लेटेस्ट वन इज मोर प्रिफर्ड। बट रिमेंबर समटाइम वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। सो माई स्टूडेंट शुड नो, रिमेंबर, इफ इफ सपोज
किलोमीटर पर आर इज द वेलोसिटी, के किलोमीटर पर आर। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड? वेरी सिंपल, यू विल डू के इनटू 1000 मीटर। व्हाई? बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आर। आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन वन आर? 30 बिल्कुल। वंस यू सॉल्व इट, इट बिकम्स के इनटू 5/18। अप्रूव ठीक है बेटे? सो दैट मीन्स वट एवर वैल्यू इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 5/18, यू विल रीच दी मीटर पर सेकेंड। ओके, यस सो शुड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल दी पॉइंट्स हेयर आर क्लियर टू यू? यस प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ ऑल क्लियर। इफ यू वॉन्ट एनी पॉइंट टू आस्क अगेन, जस्ट टेल मी द सीरियल नंबर ऑफ द पॉइंट। सो दैट मीन्स द थिंग्स आर क्लियर टू मी बेटे। सो नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। शाबाश। और करने से यहां से यस। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट बेटे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मैनी स्टूडेंट अमंग यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी सी इन द ड्राइविंग। डू यू नो व्हेन यू ड्राइव द कार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी सी? एनीबॉडी? एक्सेलरेट वेरी नाइस। सो इफ यू सपोज दिस इज द डोर साइड ऑफ द कार, यू एंटर द कार फ्रॉम द ड्राइवर डोर, द फर्स्ट पेडल इज एक्सेलरेटर, सेकेंड वन इज ब्रेक, थर्ड वन इज क्लच। ओके, ट्राई कन्विंस योर फादर टू टीच यू कार ड्राइविंग अ लिटिल इन द ओपन ग्राउंड। नाउ यू आर अ ग्रोन अप गाय। सो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड एक्सेलरेट। एक्सेलरेट इज वर्ब, दिस इज द इंग्लिश वर्ब एक्सेलरेट। व्हाट इज द मीनिंग? गति को ज्यादा तेज करना। कितने टाइम में कोई चीज तेज होते होते ज्यादा तेज होगी और कितना टाइम लेते हुए? मान लो ये बॉडी चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, और 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये 15 मीटर पर सेकेंड चलने लगी। फिर से सुनो, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम लिया इसने, ये 15 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी। तो डिफरेंस कितना हुआ वेलोसिटी में? 15 माइनस 5, 10। और उसको टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम कितना दिया था टीचर ने? वो भी 10। 10 सेकेंड, 10/10, तो वो आएगा एक्सेलरेशन। 1 आएगा एक्सेलरेशन। तो लिखो इसका डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, शाबाश एवरीबॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। शाबाश शाबाश, हरी अप। सो एक्सेलरेशन सिंबल इज ए, वेलोसिटी का चेंज, चेंज को हमेशा ऐसे लिखते हैं डेल्टा डाल के, इसको डेल्टा बोलते हैं ग्रीक लेटर में। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द एक्सेलरेशन बेटे। दिस इज योर लर्निंग पॉइंट 1। नाउ लेट्स डिस्कस लर्निंग पॉइंट 2। इन द लर्निंग पॉइंट 2,
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरे को इतना मजा आ रहा है कि इतने डिसिप्लिन्ड बच्चे मैंने किसी स्कूल के देखे ही नहीं। एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन, और कोऑपरेटिव टीचर्स का दिल से थैंक यू जो इतना अच्छा मेंटेन करा है डिसिप्लिन। जरूर आपके असेंबली में मॉर्निंग में आपको अच्छी बातें बताते हैं, वरना इतने ज्यादा डिसिप्लिन बच्चे मैंने और स्कूलों में नहीं देखे। शाबाश। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का यूनिट क्या था बेटे? मीटर पर सेकेंड। हम एक और सेकेंड आ गया, इस सेकेंड को भी ऊपर ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होएगा, एसआई यूनिट वो क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होएगी। सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। कोई बच्चा कहता है क्या सर एक्सेलरेशन कभी जीरो भी हो सकता है? जीरो हो सकता है, पॉसिबल। तो आंसर इज यस, पॉसिबल है। बच्चा बोलेगा सर कैसे? ध्यान से सुनना, कैसे जीरो पॉसिबल है? अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती रहे और जाते जाते ना तेज हो ना स्लो हो, ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करे, ना तेज हो ना स्लो हो, डायरेक्शन मन ना चेंज करे, तो उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कहा जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ, इफ व्हाट? बॉडी रिटेन्स इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड। लिख दो सभी बच्चे, लिख दो सेकंड लर्निंग पॉइंट, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो इफ बॉडी रिटेन्स इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी ना तो बॉडी तेज हो ना स्लो हो ना दिशा चेंज हो। ज्यादा सिंपल शब्दों में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज जीरो इफ बॉडी वाइल मूविंग डज नॉट चेंज, डज नॉट स्लो डाउन, डज नॉट गेट फास्ट, डज नॉट गेट स्लो डाउन एंड डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तीन वैल्यूज, ना तो बॉडी तेज हो ना स्लो हो ना ही दिशा चेंज करे, तब हम उसको बोलते हैं उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उसका एक्सेलरेशन जीरो लिया जाता है। बच्चा कहता है, मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर वेलोसिटी के जीरो होने से एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो गया? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, ये ड्राइविंग वाला पॉइंट हटा देते हैं हम। देखो बेटे, बच्चे को मैंने ऐसे बताया तो बच्चा अब कभी नहीं भूलेगा। रुको, देखो मैंने बोला बेटे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था? कह रहा है सर वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम टेकन। सर ये ऊपर एरो क्यों डालते हो? एरो उस चीज को डाला करते हैं जिसके पास डायरेक्शन हो। देखो टाइम के ऊपर मैंने एरो नहीं डाला क्योंकि टाइम की डायरेक्शन नहीं होती। और बच्चे को मैंने बोला बेटे चेंज का क्या मतलब है? बच्चा बोलेगा सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो बॉडी की चलते वक्त वेलोसिटी तो उसको माइनस कर देना बाद नई वाली वेलोसिटी से, डिवाइडेड बाय टाइम। पर मैंने बोला बेटे वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, अगर अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या करोगे? तो बच्चा कहेगा सर यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो। जब दोनों जगह भी लिखेंगे, क्यों लिखा दोनों जगह? वेलोसिटी चेंज ही नहीं करनी, कांस्टेंट का मतलब नॉट वेरिएबल, नॉट चेंजेबल। जैसे ही सेम में से सेम चीज माइनस करेंगे तो जीरो आएगा ही आंसर। इसीलिए टीचर ने बोला एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। गॉट इट? यस और नो? समझ आया बेटे? अब लिखो
ऐसे मोशन को बोलते क्या हैं जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, उसको दो नाम दिए जाते हैं ऐसे मोशन को। मोशन की क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं अब हम। लिखो 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 शाबाश। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हेडिंग, इट इज दैट काइंड ऑफ मोशन, इट इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच, इन विच, इट इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच व्हाट, क्या लिखोगे उसके बाद? इन विच वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फुल स्टॉप। एज ए रिजल्ट इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, जेड ई आर ओ लिखना है आपने इंग्लिश में। एज ए रिजल्ट ऑफ इट इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, फुल स्टॉप। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या लिखोगे बेटे? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू ही नहीं है, ऐसे मोशन को अनएक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। लिखोगे एज एक्सेलरेशन इज जीरो, यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनएक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं उम्मीद करूं पॉइंट नंबर वन और पॉइंट टू दोनों मेरे बच्चों को समझ आ गए हैं। इफ यस रेज योर हैंड बेटा, राइट और लेफ्ट में से एक। वेरी गुड। सो टीचर ने अपने बच्चों को क्या समझा दिया? उन्होंने यूनिफॉर्म मोशन समझा दिया। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का टीचर ने एक और नाम क्या दिया अभी अभी टीचर ने? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बात, अनएक्सेलरेटेड मोशन। कोई बच्चा मेरे को बोले सर जैसे वेलोसिटी के चेंज को टाइम के चेंज से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाला है, तो क्या कोई ऐसी टर्म भी होती है कि स्पीड के चेंज को टाइम से डिवाइड करके नई टर्म बन जाए? नो, ऐसी कोई टर्म साइंटिस्टों ने नहीं बनाई। और अगर कभी लिखा हुआ आ ही जाए, स्पीड अपॉन टाइम लिखा हुआ आ जाए, ऐसे कभी लिखा हुआ आ जाए पेपर में स्पीड अपॉन टाइम, तो इसको सामने क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख सकते, बस यही लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कितने टाइम में कितनी स्पीड चेंज हुई। उसको नया टाइम नहीं दे, जैसे इसको मैंने नया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को कोई भी नया नाम नहीं दिया गया साइंस के अंदर। ओके यस। अब हम पढ़ने लगे हैं एक बहुत ही खास बात। वो बच्चे, उसमें हम हेडिंग दे दो सभी बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स। पर इससे आगे जाने से पहले मैं, एक बच्चा है अपनी क्लास में अर्शदीप कौर, हु इज दिस 9th है, अर्शदीप कौर, अर्शदीप। हाँ बेटे, कैन यू डिफाइन व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? हाँ यही जोर से बोल दो, माइक ऑन करो, कुछ नहीं सुनता बेटे, कुछ नहीं सुनता। यस यस, इट इज अ काइंड ऑफ मोशन। आगे ब्रिलियंट, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस चाइल्ड, शाबाश। सो यू बिल्कुल 100% करेक्ट बोलिए। और एक बच्चा और चाहिए मेरे को, दिव्या जोशी, दिव्या जोशी सिट डाउन इसी क्लास में। दिव्या जो बेटे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड, बेटे क्या ये सही जवाब दे रही है? बाकी बच्चे बताओ, मेरे को नहीं सुन रहा।
यस अनएक्सेलरेटेड मोशन। ओके अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए जरा ध्यान से देखो, हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल पेज निकाल के दे, ये वाला लो हटा लो। लवर कर दे, ओके बेटे अब हम आगे चल रहे हैं। ध्यान से देखना सभी बच्चों ने, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हेडिंग लोगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स। सबसे पहले हम साइड पे ये पढ़ लेते हैं कि अगर बॉडी मोशन में ना हो, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, तब क्या ग्राफ होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट, मीनिंग इज टाइम पासिस बट बॉडी पोजिशन रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, सदियां सदियां निकल गई, वक्त गुजरता जा रहा है, ताजमहल आगरा में एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही है, तो ताजमहल इज एट रेस्ट। ठीक है, अब बेटे इसको समझने के लिए आपको तीन सिंबल्स का ज्ञान होना चाहिए। एक्स को बोलते हैं पोजीशन, टी को बोलते हैं टाइम, वी को बोलेंगे वेलोसिटी, चलो एक और याद रखो, ए को बोलेंगे एक्सेलरेशन। सभी बच्चों को ये सिंबल याद होने चाहिए, अगर डाउट है तो लिख लो फटाफट। अब हम देखना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड ग्राफ्स क्या क्या होंगे। योर अटेंशन, तो मैंने एक सर्टन स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, देखो मैं इसके अंदर कराऊंगा, अब ध्यान से सुनो। टीचर क्या करने जा रहा है बेटे, टीचर ने तीन ग्राफ बना दिए, टाइम वर्सेस पोजीशन पहली बात, दूसरी बात वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तीसरी बात एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तीन ग्राफ और जीरो 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 ओरिजिन। अब देखना इनका ग्राफ कैसा आएगा बेटे, योर अटेंशन। मैंने किसी बच्चे से पूछा कि जब बॉडी की पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही तो एक्स की क्या वैल्यू होगी। वो कह रहा है सर मान लो बॉडी ओरिजिन से सर्टन दूरी पर है, एक्स डैश कह देते हैं इसको, जैसे 5 मीटर बोल दूं, तो जितना मर्जी टाइम गुजरता जाए बॉडी की पोजीशन 5 मीटर ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट, चेंज ही नहीं हो सकती। इसलिए इन सारे ग्राफों को ज्वाइन करूं तो मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया। इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्टैंड्स फॉर पोजीशन, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। सो पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। समझ आया, लिख लो शाबाश। फॉर ए रेस्टेड बॉडी, शाबाश, फॉर ए रेस्टेड बॉडी The position time graph is a straight line. शाबाश, हरी अप। For a rested body, the position time graph is a straight line parallel to time axis. For a rested body, the position time graph is a straight line parallel to rested body. Parallel to time axis. Parallel to time axis. अब एक और ग्राफ समझो, शाबाश, अनदर ग्राफ, शाबाश बेटे, योर अटेंशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होएगा, ध्यान से सुनना। उसके लिए मैं आपको बच्चे को थोड़ा सा साइड पे एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैंने बच्चे को बोला बेटे वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, वो बोलता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट खुद क्या था,
बच्चा बोलता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट द चेंज ऑफ पोजीशन नीचे टाइम। ओके तो मैंने उस बच्चे को बोला कि जब मैंने पोजीशन एक्स डैश पे फिक्स ही कर दी तो फाइनल पोजीशन कितनी लिखोगे? फाइनल पोजीशन बोलता है एक्स लिखूंगा। तो इनिशियल पोजीशन कितनी लिखोगे? वो भी एक्स लिखूंगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होएगा? एक्स माइनस एक्स ही होएगा, नीचे टाइम ही है एक्स। ये देखो टीचर ने दोनों एक्स डैश लिख दिए, क्यों? क्योंकि टी वन टाइम के ऊपर भी एक्स एक्स है पोजीशन, और टी टू टाइम के ऊपर भी एक्स डैश है पोजीशन। पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही, क्यों नहीं चेंज कर रही? हेडिंग देखो, बॉडी इज एट रेस्ट। ताजमहल वाली एग्जाम्पल याद करो, कहने का मतलब क्या है? 1900 सदी में भी ताजमहल आगरा में था, 2000 सदी में भी ताजमहल आगरा में ही है, एट रेस्ट। तो दोनों पोजीशन सेम होगी। तो जब सेम चीज में से सेम निकालते हैं तो आंसर क्या बनता है बेटे? जीरो। यस और नो बोलो। इसका मतलब अब ग्राफ ड्रा करते हैं, ध्यान से देखना। तो ग्राफ क्या होएगा बेटे इसका? सभी बच्चे कहेंगे सर क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो ही आ गया, इसलिए टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर होता है। देखो वेलोसिटी कम करते 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 यहां जीरो हो गया, तो टाइम जितना मर्जी बीतता रहे वेलोसिटी ताजमहल की जीरो ही रहेगी, रेस्टेड बॉडी की। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी इज द टाइम एक्सिस ओनली। लिख लो, शाबाश। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हरी अप लिख लो बेटे, ऐसे मत सोचना, याद रहेंगे, आगे बहुत सारे पॉइंट आएंगे ऐसे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, नेमली इज ए स्ट्रेट लाइन कॉमा नेमली टाइम एक्सिस ओनली। इज ए स्ट्रेट लाइन नेमली टाइम एक्सिस। ओके, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता सके रेस्टेड बॉडी का? कोई क्लास में बच्चा है? नहीं बता पा रहे, लेकिन दूसरे स्कूल में एक बच्चे ने बता दिया था। वो क्या कहता बच्चा मेरे को? कहता सर देखो, आपने हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कराई है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने कहा यस करवाई है। कह रहे सर वेलोसिटी का मतलब, चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने कहा बिल्कुल सही, पर कह रहे सर आपकी बॉडी तो रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी तो पक्की जीरो ही है। तो आप जब फाइनल और इनिशियल में से कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे तो आपको जीरो ही रखनी पड़ेगी। मैंने कहा यस। कहता मैथ में जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। आर यू गेटिंग? एक्सेलरेशन कितना आ गया? जीरो। तो इसका ग्राफ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका ग्राफ? जैसे वेलोसिटी के जीरो आने से ग्राफ क्या बन गया था? टाइम एक्सिस ओनली। तो एक्सेलरेशन के टाइम जीरो आने से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आना चाहिए? एनीबॉडी एनीबॉडी? एंजल दीमान, मेरे को पता लगा एंजल दीमान अच्छा बच्चा काउंट होता है क्लास में, सेक्शन बी, शाबाश। बता सकता है? और कोई बच्चा दोनों क्लासों में से बता सके? आप कहोगे सर देखो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू पक्की पक्की जीरो आ गई है। जैसे वेलोसिटी की वैल्यू पक्की जीरो आ गई थी तो आपने टाइम एक्सिस को जीरो बना दिया वेलोसिटी गिरते गिरते, इसी तरह से एक्सेलरेशन में आपने पक्का जीरो बनाना है। तो कैसे करोगे? ए एक्सेलरेशन को कम करते 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 जीरो लेवल पे आ जाओ, यहां पर ड्रा कर दो बेटे। ओके, तो यहां पर जब मैंने ये ड्रा करा येलो कलर से तो यही ग्राफ बन गया। तो क्या लिखोगे? इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? कोई बच्चा है जो मेरे को रेस्टेड बॉडी के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की लैंग्वेज क्या बनेगी लिखा बोल सके?
Any daring student in the class? शाबाश, रेज योर हैंड अमंग गर्ल्स बॉयज. हाँ हाँ बॉयज में एक बच्चा, वेरी गुड. बेटे क्या लैंग्वेज बननी चाहिए? स्टैंड अप. माइक ऑन करो. स्पीक आउट. सुन ही नहीं रहा बेटे, माइक ऑन नहीं हुआ आपका. बोलो, अब बोलो, एक बार ट्राई करो. कोई बात नहीं, बैठ जाओ. नहीं चल रहा माइक. तो इस बच्चे को फिर भी देखो, पूरी दोनों तीनों कल सेक्शंस में से एक बच्चे ने डेयरिंग हुआ. ईमानदारी से बताना, जो टीचर बोलने लगा लैंग्वेज, क्या तुम वही सोच रहे थे? इसकी लैंग्वेज बनेगी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन नेमली टाइम एक्सिस. क्या ऐसे ही सोचा था? बोलो बेटे, यस और नो, रेज योर हैंड राइट हैंड. अगर ऐसे ही सोचा था तो क्लैप होना चाहिए इस बच्चे के लिए. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड. तो एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन, ग्राफ भी बना लो. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी. सर यस यस, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ अब आ रही है बेटे, बिल्कुल आ रही. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए रेस्टेड बॉडी, एवरीबॉडी प्लीज, इज ए स्ट्रेट लाइन नेमली टाइम एक्सिस, इज ए स्ट्रेट लाइन नेमली टाइम एक्सिस. और इस ग्राफ का वाई टीचर ने यह समझाया, वाई सो. इस ग्राफ का वाई टीचर ने यह समझा, ऐसा ग्राफ क्यों आया? अगर कोई बच्चा वाई नोट करना चाहता है तो कर सकता है. जल्दी से, ये वाला वाई मैंने सिखा दिया, ये वाला वाई. ग्राफ इस शेप का क्यों आएगा? ठीक है, आपको तीन ग्राफ समझ आ गए हैं? बोलो यस और नो. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. आपको पता है, इफ यू हैव अंडरस्टूड विच हैंड यू हैव टू रेज, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. अब हम चलते हैं, बॉडी को रेस्ट से नॉन रेस्ट करते हैं, यानी उसको गति में लेकर आते हैं, मोशन में, मोशन में. आर यू रेडी? तो चलो फिर मैं इसको इरेज करता हूं. अब हम चलते हैं, देखो. ओके, मोशन. तो बेटे आपके पास ये मैंने असाइनमेंट दी हुई है, ये असाइनमेंट भी आपने करनी है, लेकिन पहले मैं ये वाला पोर्शन पूरा करवा देता हूं. टाइम मेरे पास शॉर्ट है, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा. प्लीज पे योर अटेंशन, टीचर इज गोइंग लिटिल फास्ट. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. बच्चा कहेगा सर ये इसके आप ग्राफ करा रहे हो? यस, क्योंकि मोशन को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम बाद में करेंगे, अभी यूनिफॉर्म मोशन करने लगे हैं. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाद में, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन करने लगे हैं. योर अटेंशन. यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोला था टीचर ने? एक्सेलरेशन इज इक्वल मोशन, हाँ, अनएक्सेलरेटेड मोशन बोला था बेटे. इसका मतलब है मेरे को इसमें भी तीन ग्राफ ड्रा करने हैं. कौन से ग्राफ? इसी के अंदर हमने बोला था वेलोसिटी चेंज नहीं रहती, कांस्टेंट रहती है. ओके, तो अगर हम इसके अंदर तीन ग्राफ देखें, कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ, और कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कौन सा बेटे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. बिल्कुल सही.
तो पोजीशन टाइम ग्राफ मैं आपको बताने लगा हूं, योर अटेंशन, योर अटेंशन। या सबसे पहले जो चीज कांस्टेंट होती है उसका ग्राफ देखा करते हैं। कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, सारे बच्चे ध्यान से देखो। अगर एक वेलोसिटी एक पर्टिकुलर लेवल पर कांस्टेंट है, लेट्स कॉल दैट वी डैश, तो टाइम कितना ही बीत जाए वेलोसिटी विल रिमेन एट सेम लेवल। इसलिए ग्राफ क्या बना, लिख लो इसकी लैंग्वेज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। शाबाश, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन यूनिफॉर्म मोशन। बस दो सेंटेंस हमने और लिखने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन यूनिफॉर्म मोशन, ये लैंग्वेज लिखनी। आप इधर देख लो बेटे, एक्सेलरेशन कितना आएगा, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, दोनों वेलोसिटीज वी डैश है तो जीरो ही आ गया। तो एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या लिखना है, लिख लो बेटे ये वाला, एक्सेलरेशन होएगा टाइम एक्सिस, ये देखो डार्क कर दिया टीचर ने, इसकी लैंग्वेज लिखो। शाबाश, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज द टाइम एक्सिस ओनली, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज द टाइम एक्सिस ओनली इन यूनिफॉर्म मोशन। और लास्ट में आपने ये लिखना बेटे, सबसे लास्ट में, पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं ऊपर को बढ़ती हुई लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन। चलो बेटे आज का इतना करते हैं, कल को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पढ़ेंगे। सभी बच्चों को समझ आया, रेज योर हैंड, दोनों हाथ खड़े करो अब तो। क्या बात है, क्या शाबाश, आगे करते हैं बेटे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Thank you.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर्स, सो वेलकम वंस अगेन फॉर मैथमेटिक्स क्लास। सो बच्चों, लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद नंबर सिस्टम। कौन बताएगा हमने क्या क्या किया बच्चे? वन स्टूडेंट, एक बच्चा, सारे नहीं बोलेंगे। हाँ जी, अरमान रायत, अरमान फ्रॉम सेक्शन ए। आजा बेटा आजा। सर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में बेटे व्हाट वी हैव डन? सर वी हैव डन फैक्टराइजेशन की थी हमने। कौन सी फैक्टराइजेशन की थी बेटा? सर रैशनल इरैशनल नंबर्स, हाँ, नॉन रैशनल रिपीटिंग। अच्छा बेटा, व्हाट आर रिपीटिंग रैशनल नंबर्स? सर व्हिच आर व्हेन वी डिवाइड देम देयर देयर आंसर विल बी रिपीटिंग। देयर आंसर विल बी रिपीटिंग। अच्छा एग्जांपल देके बताइए बेटा एक। सर बेटा नो हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, एंजल फ्रॉम सेक्शन बी। एंजल फ्रॉम सेक्शन बी प्लीज बेटा जल्दी आइए। सर डेसिमल फॉर्म्स की उसकी दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स। नहीं 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 गलत ट्रैक पे चले गए बेटा आप। आई एम डिस्कसिंग अबाउट रैशनल ओनली। रैशनल की दो टाइप्स बताई आपने, वन इज टर्मिनेटिंग, अनदर इज रिपीटिंग। Now tell me one example each of terminating as well as repeating. पहले तो आप अपना कैमरा ठीक कीजिए, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी बच्चे, अब ठीक है, बताइए बेटा। यस बैठ जाइए बेटा। हाँ जी, सेक्शन सी से प्रशांत दत्ता। हाँ जी बेटा, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। हाँ जी बेटा बोलिए कुछ। लास्ट क्लास में थे आप? बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी माइक। यस, व्हाट वी हैव डन? रैशनल और इरेशनल। अच्छा, रैशनल कितने टाइप के होते हैं बेटा? टू टाइप। कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल। रैशनल टू टाइप के होते हैं, वन इज रैशनल, अदर इज इरेशनल। बेटा अभी मैंने दो बार एक्सप्लेन किया है, तो उस टाइम आपने सुना नहीं ध्यान से। टर्मिनेटिंग एक होते हैं, टर्मिनेटिंग एक होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? रिपीटिंग। बैठ जाइए बच्चों। टर्मिनेटिंग होते हैं जिनका रिमाइंडर जीरो आ जाए, जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर बिकम जीरो। एंड रिपीटिंग दोज नंबर जिनका रिमाइंडर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। राइट, इज इट क्लियर? सो वी हैव डन इरेशनल आल्सो। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। सो आज आप लोग सब ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हैं बेटा? राइट, सो टुडे वील अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट
इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, राइट बच्चों? सो ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, दिस वी हैव डन, पाई वी हैव डन, नाउ विल बी डूइंग हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बच्चे ये विजिबल है आपको, स्पाइरल ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स? बेटा अभी है, अभी हो गया बच्चों, अभी हो गया, राइट। सो टुडे विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द स्क्वायर रूट नंबर और इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बच्चे दो मेथड होते हैं, आई विल टीच यू बोथ द मेथड, ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, ये हमारी एक, सपोज दिस इज, यस देखिए बेटा, लेट्स से दिस इज अ नंबर लाइन, राइट? फर्स्ट रैशनल नंबर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टू। हाउ टू ड्रॉ द स्क्वायर रूट ऑफ टू? आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, लेट से दिस इज जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज टू, इज इट क्लियर? साथ के साथ ड्रॉ करते जाओ आप, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एवरी वन, आई कैन कॉल एनी वन ऑफ यू एंड कैन चेक योर नोटबुक, राइट? बच्चों सबने साथ साथ ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पर जीरो और वन ड्रॉ कीजिए, 1 सेंटीमीटर मत लेना, थोड़ा बड़ा लेना बेटा, इनका जो डिस्टेंस है ना जीरो और वन का, सो दैट यू कैन ड्रॉ इजीली। बैठ जाइए बच्चे, सेक्शन ए में गर्ल स्टूडेंट, प्लीज सेटल डाउन। सबका हो गया बेटा इतना? नाउ एट पॉइंट वन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है सबको? कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल सबको ड्रॉ करना आता है? सो यहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए बच्चों। ठीक है जी, सो प्लीज ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। किसी को नहीं आता बेटा तो बता सकता है 90 डिग्री, आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ इट। किसी बच्चे को 90 डिग्री का अगर एंगल नहीं ड्रॉ करना आता है, ही और शी कैन रेज देयर हैंड्स। सबको आता है, वेरी गुड। नहीं, हाँ जी बेटा, फ्रंट बेंच 9A, आपको नहीं आता? सेंटर में जो स्टूडेंट बैठे, यू डोंट नो, डोंट फील शाय, प्लीज टेल मी। राइट, सबका हो गया बेटा 90 डिग्री का एंगल? यस और नो? जल्दी कीजिए बेटा जिनका नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ब्रिंग योर कंपस, पुट इट हेयर एट द पॉइंट वन। वन के ऊपर आपने कंपस रखनी है और जीरो तक ओपन करना है। पुट योर कंपस एट पॉइंट वन एंड ओपन टिल जीरो मार्क। यहां तक ओपन करके आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है? आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको कट करना है, राइट? मीन्स दिस लेंथ एंड दिस लेंथ शुड बी सेम, राइट बच्चों? इज इट डन और नॉट? इज इट डन? नो, प्लीज। या बेटा, आपने कंपास ओपन की, वन पॉइंट के ऊपर ओपन की, यहां पे आपने कंपास प्लेस करनी है। कंपास प्लेस करके यू हैव टू ओपन टिल जीरो मार्क, मीन्स जो ये आपका वन यूनिट है इतना ओपन करना है, और यहां रख के आपने अर्क लगा देनी है, ये वाली जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको कट करना है जी।
राइट, इज दिस क्लियर बच्चों? यस और नो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? या बेटा देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, ये जीरो मार्क है, ये वन मार्क है, राइट? यहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नीचे करना। हाँ जी बच्चों, नजर आ रहा है? यहाँ पे परपेंडिकुलर ओपन किया, जितनी ये लेंथ है यहाँ पे आपने कंपास रखनी है और इसको ओपन करके यहाँ कट कर देना ऊपर, ठीक है जी? एनी डाउट? अभी भी स्टिल डाउट आई थिंक आर देयर? जिस बच्चे को डाउट है बेटा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, टीचर कैन हेल्प देम टू आस्क द क्वेश्चन। बेटा वी डोंट वॉन्ट एनी बडी शुड हैव डाउट आफ्टर द क्लास। आपके जो भी डाउट है क्लैरिफाई इन द क्लास, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट जी? चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ लेट से दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए है। नाउ मीट दिस पॉइंट इज जीरो मार्क एंड ए, दोनों को मीट करा दिया बच्चों, राइट? जब दोनों को मीट करा दिया बेटा, देखिए ये एक वन यूनिट है, दिस जीरो से वन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वन यूनिट। सिमिलरली दिस इज आल्सो, जो इतना ही कट किया आपने, दिस इज आल्सो वन यूनिट। इज इट क्लियर? नाउ दिस लेंथ ओ ए विल बी रूट टू। ये बेटा रूट टू कैसे आए? पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं, नाउ सिंस दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने 90 डिग्री जो ड्रॉ किया है, सो यहां पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। दिस इज वन यूनिट, दिस इज वन यूनिट। नाउ इफ यू अप्लाई लेट से ए बी सी, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? राइट बेटा? नाउ एक्स स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज पी स्क्वायर? पी परपेंडिकुलर इज वन, वन का स्क्वायर। सिमिलरली बी इज वन, तो वन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? टू। व्हाट विल बी एच? अंडर रूट टू। क्लियर हुआ बेटा ये कैसे आया? तो दिस लेंथ विल बी रूट टू यूनिट्स। अब ये तो ये वाली लेंथ रूट टू आई है। नाउ हाउ टू ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन, पुट योर कंपास ऑन जीरो मार्क एंड ओपन टिल ए, यहां पे रख के बच्चे यहां तक ओपन करनी है और आर्क लगा देनी है विच कट योर नंबर लाइन। अब दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर सेम, सो दिस पॉइंट जो मैंने डार्क किया विल बी रूट टू। इज इट क्लियर? जहां पहले आर्क गई थी वहीं से लगानी है बेटा। देखिए आपने कंपास रखनी है जीरो मार्क पे और ओपन करना है ए तक, ठीक है? कोई डाउट? ये देखिए ऐसे हो गया ना, यहां पे आपने ये कंपास रखी और इसको ये ड्रॉ कर दिया इस तरह से, राइट? यस और नो? यस। किसी को डाउट है तो बता दीजिए बच्चे। अब मैं ये थोड़ा सा मैसी हो गया, इसको क्लियर करके आपको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से, सो दैट यू कैन। देखिए बच्चों, आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, जीरो मार्क वन मार्क, यहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर को यहां तक वन मार्क पे कंपास रख के जीरो तक ओपन करके आर्क लगा दी, मींस इफ दिस इज वन यूनिट
दिस विल आल्सो बी वन यूनिट, दोनों को मीट करा दिया जी, राइट। यस कंपास ऑन जीरो मार्क, ओपन टिल हेयर एंड ड्रॉ आर्क ऑन द नंबर लाइन, सो वेयर इट कट्स द नंबर लाइन दैट पॉइंट इज रूट टू यूनिट्स। इज दिस क्लियर बच्चों? अब यस ये बन गई बेटा आपकी रूट टू की। यस नाउ दिस लेंथ विल बी रूट टू, क्लियर है? अब आ जाते हैं रूट टू के बाद रूट थ्री कैसे ड्रॉ करना है, राइट। नाउ लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ टेक दिस ओ ए एज बेस और इस बेस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जी। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चे। परपेंडिकुलर मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, यू कैन ड्रॉ दिस विद प्रोट्रैक्टर आल्सो, ठीक है? यस बच्चों। नाउ अगेन कट दिस लेंथ एज वन यूनिट। वन यूनिट कितना है? जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ कट कर दो जी। जब आपने ये वाली लेंथ कट कर दी सो दिस बिकम वन यूनिट, दिस इज रूट टू यूनिट। अगेन मीट देम, मीट करा दिया बच्चों। हाँ जी, अब आपने ओ ए को आपने बेस ले लिया और इस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट से दिस पॉइंट इज सी, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जी। पुट द कंपास ऑन ए एंड ओपन टिल बी, जितना बी तक है ना इतना कंपास ओपन करके यहाँ पे आर्क लगा के कट कर दिया सी तक जी। इज दिस क्लियर नाउ? नाउ मीट ओ एंड सी, ओ और जीरो जो भी समझ रहे हैं आप, ओ एंड सी को मीट करा दो बेटा। करा दिया बच्चे। नाउ सी दिस ओ सी इज इक्वल टू रूट थ्री यूनिट। ये रूट थ्री कैसे आया बेटा? अगेन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया। यहाँ पे परपेंडिकुलर इज वन यूनिट, सो वन स्क्वायर इज वन। हाँ जी सर, फिर से समझाना कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर परपेंडिकुलर के बाद। परपेंडिकुलर के बाद बेटा आपने ए पे कंपास रखी, रख ली ए पे कंपास, ओपन टिल बी, बी तक ओपन की बेटा और कट कर दिया परपेंडिकुलर को टिल पॉइंट सी, कट कर दिया बच्चे। पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी, इज इट क्लियर? उसके बाद ओ एंड सी को मीट करा दिया, ओ एंड सी को मीट करा दिया जी। सो नाउ द लेंथ ओ सी इज इक्वल टू रूट थ्री, राइट बच्चों? ओ सी रूट थ्री कैसे आई है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, राइट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चों? यस। नाउ परपेंडिकुलर इज वन यूनिट एंड बेस इज रूट टू यूनिट, वन स्क्वायर इज वन और रूट टू स्क्वायर कितना होता है बेटा? टू। टू, तो वन प्लस टू तो थ्री। एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? अंडर रूट थ्री। नहीं, एच स्क्वायर तो थ्री के इक्वल है, एच रूट थ्री के इक्वल आया। और एच क्या है हमारा? ओ सी, द लेंथ ओ सी इज रूट थ्री। यहां तो कोई डाउट बचो? नाउ पुट द कंपास ऑन पॉइंट ओ। इतना हो जाने के बाद आपने क्या करना है? पॉइंट ओ पे कंपास रखी, रख दीजिए। पुट द कंपास एट पॉइंट ओ एंड ओपन टिल सी, एंड ओपन टिल सी, राइट, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, विच कट द नंबर लाइन, और जिस पॉइंट पे कट कर रही है दैट पॉइंट विल बी अंडर, ठीक है ना बेटा? देखिए हमने इतनी कंपास ओपन की है तो ये वाली लेंथ भी जो है रूट थ्री के इक्वल आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस। कोई डाउट बच्चों इसमें? नो। चलिए ड्रॉ कीजिए बच्चे फटाफट से।
हो गया बच्चों, चलें आगे। Yes. बेटा देखिए, अब उसके बाद हमने रूट 4 ड्रॉ करना है। कैन यू सी दिस स्पाइरल नाउ? देखिए ये हमने रूट 2 ड्रॉ किया है, और इसको थोड़ा हम हाँ जी बच्चों, अब नजर आ रहा है आपको स्पाइरल बढ़िया से। नाउ दिस इज रूट 2, देख रहे हो आप ये वाली लेंथ yes. और ये वाली लेंथ yes. क्या है ये वाली लेंथ? ये नजर आ रहा है सबको? yes. देखिए बच्चे, उसके बाद ये सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जा रहे हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट का, दिस कम्स आउट टू बी रूट 4, सिमिलरली रूट 5, और इसको जब कंप्लीट करते गए तो ये पूरा अपना क्या बन गया? स्पाइरल। स्पाइरल बन गया बच्चों ये? यस और नो? ठीक है, सो दिस वे यू कैन कंटिन्यू। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक बच्चों? चलिए आगे चलते हैं जी। अब दूसरा मेथड एक और होता है बेटा, ठीक है। यहाँ इस मेथड की जो लिमिटेशन है कि यू कैन ड्रॉ ओनली द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स 2, 3, 4, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट ड्रॉ कर सकते हो। बट नाउ द मेथड वी आर डूइंग, यू कैन ड्रॉ इवन द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स के भी ड्रॉ कर सकते हो आप। इज इट क्लियर बच्चों? आप कैसे करेंगे देखिए बेटा। नाउ देखिए बेटा कैसे करेंगे हम। सपोज कीजिए यू हैव टू ड्रॉ द स्क्वायर रूट ऑफ 7.2, राइट? 7.2 जो है इसका स्क्वायर रूट यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑन नंबर लाइन। हाउ विल यू ड्रॉ इट? ड्रॉ ए नंबर लाइन, रादर ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एंड कट दिस लाइन। यहां पे रख के बच्चे, दिस इज 7.2 तक कट किया आपने, राइट? एंड आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट, मीन्स यहां पे 8.2 हो गया आपका बच्चों, राइट और नॉट? यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ 8.2 सेंटीमीटर और उसमें 7.2 सेंटीमीटर पे भी मार्क लगाना है आपको। इज इट क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? कोई आवाज नहीं आ रही, यस नो की कुछ नहीं आ रहा है। yes, बेटा अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी बच्चों आगे देखिए। नाउ What you have to do, draw the perpendicular bisector of, let's say this is AB, this point is B. Draw the perpendicular bisector of AB. You know what is perpendicular bisector? कौन बताएगा? Please raise your hand. What is perpendicular bisector? Anyone? All three section. कोई बच्चा नहीं बताएगा? बेटा परपेंडिकुलर, देखिए नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? राइट एंगल 90 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? एक बच्चा बताए कोई बाइसेक्ट का मतलब? डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स। So the meaning of perpendicular bisector is a line which divide the given line segment in equal part at right angle triangle. समझ में आ रहा है? जो perpendicular भी हो और equal parts में भी divide करे। So वो कैसे draw करते हैं बेटा? Put the compass on point A and open more than half of AB. Half से ज्यादा compass open किया। सपोज यहां पे आपने कंपास रखा और हाफ से ज्यादा ओपन करके
एक आर किस तरफ लगाई, एक आर किस तरफ लगाई, राइट? डन बच्चों इतना? जितना मर्जी हो, पर करना है आपसे ज्यादा। बेटा हाफ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? हाफ से ज्यादा कोई मेजर करके नहीं करना, एक आइडिया से कि हाफ से ज्यादा है, ठीक है जी? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या करना है बेटा, सेम कंपस ओपन रखनी है। यू हैव टू पुट द कंपस ऑन बी एंड ड्रॉ द आर्क विच कट्स द दीज टू आर्क्स। दोनों आर्क्स को कट करना है। हो गया बेटा? नाउ मीट दिस, राइट? सो ये जो आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया जी। मेरी थोड़ी स्क्रीन में स्लांटेड है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, यू शैल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा? इज दिस क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? यस हो गया सबका इतना? यस नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब ये मेजर करना बच्चे, ये जो पॉइंट आया कितनी लेंथ है इसकी, मीन्स लेट से दिस इज ओ, ए ओ की लेंथ कितनी आ रही है आप सबकी, स्केल से मेजर करके बताओ जरा मुझे। हाँ जी बच्चों, कितनी आ रही है? 5 पॉइंट की आवाज सुनाई दी मुझे कुछ, 5.3 आ रही है, तो आपकी बच्चे रॉन्ग है। इट हैज टू बी 4.1 होनी चाहिए। आगे 4.1, बेटा देखो ना, 8.2 टोटल है, उसका हाफ कितना होगा? 4.1 अगर नहीं आ रही तो यू हैव ड्रॉन इट रॉन्ग। फोर पॉइंट वन किस किस की आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड्स। बाकी बाकी करेक्ट कीजिए बेटा, ऑल अदर्स आर रिक्वेस्टेड टू करेक्ट इट। करेक्ट कैसे करना है बेटा, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। आप पहले जो आपने जो लेंथ ड्रॉ की है, 8.2 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ की है आपने यहां तक, ठीक है? अगेन हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क ऊपर एक नीचे, ठीक है? और इसको प्रोसेस तो सेम है बेटा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, जो आपकी कंपास थोड़ा हिल गई होगी या कुछ हो गया होगा उसको करेक्ट करो। हाँ जी डन स्टूडेंट्स? नो सब बच्चों का हो गया? नो ओके प्लीज डू इट बेटा। इधर हाँ
यस स्टूडेंट्स, डन और नॉट? कितने बच्चों का अभी करेक्ट हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। बस बाकी सब क्या कर रहे हैं बेटा, नहीं हो रहा आप लोगों का? बेटा रिपीट कीजिए प्रोसेस। देखिए बेटा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। आपने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ऑफ 8.2 सेंटीमीटर, राइट? लाइन सेगमेंट की लेंथ है 8.2 और यहाँ पे 7.2 पे आपने मार्किंग कर दी है जी, क्लियर है? यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। उसके लिए आपने क्या किया बच्चों, ए पे कंपस रखी, हाफ से ज्यादा ओपन की, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, ठीक है जी? इज इट क्लियर? सिमिलरली पुट द कंपस ऑन बी एंड ड्रॉ द आर्क विच कट्स द ए बी। नाउ मीट दिस, दिस विल डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है बच्चों? प्रोसेस सेम है, प्रोसेस कोई डिफरेंट नहीं करना है। आपकी वो जो पोजिशनिंग ऑफ कंपस है या कुछ लाइन में प्रॉब्लम आई होगी ड्रॉ करने में आर्क, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, राइट? हो गया बच्चों इतना? चले हम आगे बेटा। हो नहीं रहा बेटा, देखो प्रोसेस क्या है, आपने कंपस रखी है, जब आपने ए पे रख के आर्क लगाई है, सेम कंपस ओपन होनी चाहिए जब बी पे लगा रहे हैं। अगर वो हल्की फुल्की इधर उधर हो गई, सो योर मेजरमेंट विल बी रॉन्ग। यू हैव टू कीप योर कंपस स्टिल व्हेन यू आर ड्रॉइंग द आर्क फ्रॉम ए एज वेल एज बी, सेम ओपन होनी चाहिए बेटा, ठीक है? उसको अगर आप प्रॉपरली करोगे तो हो जाएगा। टीचर टीचर व्हाट इज द इशू? मैम क्या इशू आ रहा है जी? सर एक्चुअली दे डिडंट नो हाउ टू ड्रॉ, दैट इज व्हाई। मैम एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आया अभी, कोई स्टिल डाउट्स आर देयर? नाउ दे सर, नाउ दे बिजी इन ड्राइंग। ओके मैम, ओके। At the last, all have drawn. चले आगे बच्चों फिर। चलिए, now what you have to do, put the compass at point, let's say this point is O, point O and open till A, A तक open करेंगे ना तो B तक भी होगा बेटा, और इसको open करके सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जी। कर दिया बच्चों सेमी सर्कल ड्रॉ, विच शैल मीट ए एज वेल एज बी, कीजिए बेटा इसको। हो गया? नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, 7.2 जो मार्क है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ इट परपेंडिकुलर विच कट्स दिस सेमी सर्कल एट पी, ठीक है बच्चों? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आप माइक के पास आके पूछिए। जिस जिस बच्चे को डाउट है प्लीज कम नियर टू द माइक। और यू कैन टेल योर टीचर, दे कैन कम्युनिकेट। बेटा आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने? सेमी सर्कल के बाद यू हैव टू ड्रॉ द, जो हमने 7.2 पॉइंट मार्क किया है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विच कट दिस सेमी सर्कल एट पी, जो पी पे कट कर रहा है जी, राइट? हो गया बच्चों इतना? नाउ पुट द कंपास अगेन ऑन पी
दिस पॉइंट 7.2 एंड ओपन टिल पी, और एक आर्क लगानी है आपको ऐसे, राइट? पुट एट लेट से दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज ए बी, इस पॉइंट को ओ लीजिए आप, ये क्यों हो गए? इस पॉइंट को आपने ओ लिया, ओ पॉइंट पे आपने कंपास प्लेस करनी है एंड ओपन करना है टिल पी. प्लेस द कंपास एट ओ एंड ओपन टिल पी एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट द ए बी एक्सटेंडेड एट लेट से सी. ठीक है जी, ए बी को एक्सटेंड कर देना है और दिस आर्क कट्स द ए बी एक्सटेंडेड एट सी, ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी, सेमी सर्कल, ये देखिए मैम, यहाँ पे आपको नजर आ रही है सेम चीज, यहाँ पे आपने कंपास रखनी है इस पॉइंट पे, इतना ओपन करना है यहाँ तक और ये आर्क ड्रॉ कर देनी है, राइट बच्चों? जिस पॉइंट पे कट कर रही है नाउ दिस लेंथ, ये जो लेंथ बनी है ना आपकी, दिस विल बी अंडर रूट 7.2. इज इट क्लियर? मीन्स ये जो ओसी आपकी लेंथ है, दिस ओसी लेंथ इज रूट 7.2. ठीक है बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर इन दिस? सर प्लीज टेल अगेन. राइट, पुट द कंपास एट पॉइंट ओ एंड ओपन टिल पी. पुट द कंपास एट पॉइंट ओ, ये रहा बेटा ओ, यहां से आपने पी तक ओपन करना है एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी. मतलब ए बी को जब एक्सटेंड कर रहे हैं आप आगे, तो वो सी पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है हमने उसको नाम दिया सी. इज इट क्लियर? यस. सो नाउ द लेंथ ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7.2. ठीक है बच्चों? yes. कोई डाउट इसमें? चलिए अब जल्दी से एक आप ड्रॉ करेंगे, सेम प्रोसेस है, आपने किसी भी नंबर का करना है. सपोज मुझे कोई नंबर बोलिए जी आप, डेसिमल वाला, एनी वन, 5.5 ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है. आपने लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर. बच्चे जो भी आपने ड्रॉ करना है, जैसे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है अंडर रूट ऑफ 5, तो 5.5 प्लस 1 कितना होता है? 6. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर और इसके 5 सेंटीमीटर पे हम मार्क लगा दिया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ए बी का बनाना है बच्चों. ड्रॉ दिस, देखिए बच्चों, अब आपने 5 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 ड्रॉ करना है. तो ये लाइन सेगमेंट लिया बच्चों, 6 सेंटीमीटर का लिया हमने, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मार्क है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ. ठीक है जी, इज इट क्लियर? अगेन अगेन पुट द कंपास ऑन ए, ओपन मोर देन हाफ एंड ड्रॉ द आर्क्स, वन अबव द लाइन सेगमेंट, वन बिलो द लाइन सेगमेंट. रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम बी, इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट बच्चों? सिमिलरली पुट द कंपास एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ द सेमी सर्कल, राइट जी? इज इट क्लियर बच्चों? नाउ पुट द कंपास एट पुट द फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर विच कट्स द सेमी सर्कल एट P. ठीक है बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉ, राइट? नाउ
फ्रॉम हेयर ओपन टिल पी एंड ड्रॉ द आर्क विच मीट्स द ए बी प्रोड्यूस एट सी. राइट बच्चों, दिस लेंथ ओ सी इज रूट फाइव. करेक्ट, दिस लेंथ ओ सी इज रूट फाइव एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? सबका बन रहा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट, हो गया. तो यू कैन ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. सिस्टम क्या रहेगा बच्चों, आपको जिस भी नंबर का ड्रॉ करना है उससे एक सेंटीमीटर एक्स्ट्रा. इज इट क्लियर? कैन यू डू इट नाउ? कैन यू डू इट नाउ? चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट क्लास में आपका जो मॉड्यूल टू असाइनमेंट है विल कंटिन्यू दैट. ओके, थैंक यू, बाय बाय. थैंक्स टू ऑल द टीचर्स.